ओके फ्रेंड्स, सो आज हम एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, विच इज द थर्ड यूनिट इन द सिलेबस. ओके, सो इसमें क्या क्या है? आई हैव रिटन डाउन, ये क्या है सिलेबस है. ओके, आई हैव रिटन डाउन द सिलेबस. तो उसमें इंटेग्रिटी पढ़ना है हमें, इम्पार्शियलिटी पढ़ना है, नॉन पार्टिजानशिप पढ़ना है, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई है सिलेबस की, ये डायरेक्टली यूपीएससी के नोटिफिकेशन से उठाई गई है और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड सिविल सर्वेंट, ठीक है, तो यू हैव टू यू नो हैव ऑल दीज ट्रेट्स. तो इसको एक्सपैंड करके हम पढ़ेंगे एंड आज हम पहले एप्टीट्यूड ही देख लेते हैं क्या हो. ओके, ये जो सारी चीजें हैं दीज आर दी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, लेकिन इस यूनिट में हमें एप्टीट्यूड भी पढ़ना. आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ओके, आंसर मी दिस, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो यूपीएससी क्या चेक कर रही है? यूपीएससी आपसे क्या चेक कर रही है? क्या आपकी एप्टीट्यूड चेक कर रही है, हाँ या ना? एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, तो वो आपकी एप्टीट्यूड चेक कर रही है, यस, कि आप कितने लायक हो सिविल सर्विसेज सर्वेंट बनने के लिए. ओके, सो एप्टीट्यूड है क्या? इट रिफर्स टू नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग. ओके, नेचुरल एबिलिटी. दिस एबिलिटी इज नाइदर अक्वायर्ड नॉर इनहेरेंट. ओके, सो दिस इज जहां पर मैंने पढ़ाई की इस टॉपिक की एप्टीट्यूड, जहां से मैंने पढ़ा वहां पर ये लिखा हुआ था, बट आई एम नॉट फुली अग्रीइंग टू इट. ओके, ऑल्दो दिस इज अ वेरी पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज वॉट पॉलिटिकली करेक्ट, कि ना अक्वायर किया जाता है ना इनहेरेंट होता है. मे बी, बट सम पीपल माइट से कि नहीं इनहेरेंट होता है. देयर आर रेशियल स्टडीज विच से कि सम, जैसे आप देखोगे एप्टीट्यूड अगर आप, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इट इज नाइदर अक्वायर्ड, आप उसको अक्वायर नहीं कर सकते हो नॉर उसको इनहेरिट कर सकते हो. ठीक है, इट 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 इज इट एग्जिस्ट विथ यू. ओके, इट एग्जिस्ट विथ यू, यस. सो ब्लैक पीपल जो है, अगर आप देखोगे तो व्हाई ब्लैक पीपल डोमिनेट ट्रैक एंड फील्ड. आप देखोगे अगर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स पे, ओलंपिक्स वगैरह या कॉमनवेल्थ वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है? अगर मान लो कि 10 लोग दौड़ रहे हैं, तो उसमें से 9 लोग कौन होते हैं? ब्लैक होते हैं. ओके, 9 पीपल, 9 पीपल्स आर ब्लैक. ओके, और उसमें से कोई एक बेचारा व्हाइट पीछे रहता है, या एक कोई मान लो इंडियन वगैरह रहता है, या कोई ब्राउन पर्सन रहता है, वो बहुत पीछे रहता है, और बाकी सारे जो रेस हो रही होती है वो ब्लैक ही पीपल के बीच में हो रही होती है. सो कैन वी से दैट ब्लैक पीपल हैव नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स? ब्लैक पीपल, द ब्लैक रेस फ्रॉम अफ्रीका, पीपल फ्रॉम अफ्रीका हैव अ नेचुरल एप्टीट्यूड, व्हाट? नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स. ओके, इट इज सिंपली द सम टोटल ऑफ स्किल्स ही लर्न्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अलॉन्ग विथ इनबॉर्न एप्टीट्यूड. ओके, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? एक आया है इनबॉर्न एप्टीट्यूड, मतलब पैदा होते ही सर्टेन एप्टीट्यूड्स वेयर देयर इन द पर्सन, एंड देन इट इज सिंपली द सम टोटल ऑफ स्किल्स ही लर्न्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. अपने लाइफ टाइम में जो स्किल्स उसने सीखा, ओके, उसको मिला जुला के, ओके, उसको मिला जुला के जो बनता है, दैट बिकम्स एप्टीट्यूड. अब यहाँ पर देखो, आप याद करो स्कूल में, स्कूल में आप याद करोगे तो देर वेर सम पीपल जिनसे मैथ्स ना बड़े आसान से बन जाता था. ओके, कोई भी क्वेश्चन देते थे टीचर तो वो बड़े आसानी से बना लेते थे, और उसको उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता था. और उसी के जगह देर वेर सम पीपल, ऑल राइट, लाइक मी, जिनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था मैथ्स के लिए. ओके, मे बी मैथ्स की तैयारी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले स्टार्ट करनी पड़ती थी, एंड देर वेर सम पीपल जो यू नो मजे मजे में 1 2 दिन पहले अपना मैथ्स का तैयारी करते थे, एंड दे यूज टू यू नो बहुत अच्छे से करके आगे बढ़ जाते थे, यस. सो वो क्या था? जो पीपल है, ऑल राइट, हु वेर डूइंग मैथ्स वेरी वेल इन मैथ्स, बाई जस्ट स्टडिंग फॉर 2 3 डेज, दे हैड एप्टीट्यूड, दे हैड एप्टीट्यूड ऑफ मैथ्स. उनकी एक इनबॉर्न एबिलिटी थी कि वो नंबर्स के साथ अच्छे से, ओके, दे कैन हैव अ सिंक विद द नंबर्स, दे कैन हैव सिंक विद दी फॉर्मूलाज. आपका नहीं था, या आपका होगा, ओके, मेरा नहीं, राइट. सो मेरी एप्टीट्यूड नहीं थी, इसलिए मैंने 10th के बाद नहीं लिया. आफ्टर 10th आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर मैथ्स. वाई? बिकॉज आई डिडेंट हैड दी एप्टीट्यूड. ओके, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट,
वो होता है क्या है, क्या चेक क्या करता है, आपकी एप्टीट्यूड चेक करता है, ओके आपकी क्या करता है, एप्टीट्यूड चेक करता है किस में, मैथ्स में, किस में, रीजनिंग में, ओके ऑल राइट। तो ये सारी चीजें क्या है बेसिकली, क्या कर रहा है आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है, कितना मैथ्स आप बना सकते हो, बाद में जरूरत आएगी ना, बेसिक मैथ्स तो यूज करोगे ना, बेसिक मैथ्स आप यूज करोगे, डीएम बन जाओगे डिस्ट्रिक्ट का, और वहां पर आपको इंजीनियर साहब कुछ सिखा रहे हैं कि सर ऐसे ना ब्रिज बनेगा, और ब्रिज में ना इतना इस पिलर में इतना जाएगा कंक्रीट, और इस पिलर में इतना कंक्रीट जाएगा, आप क्या बोलोगे, नहीं यार सी सैट ना क्वालिफाइंग था तो मुझे नहीं समझ आ रहा, ओके, या सी सैट के आंदोलन में मैं बैठा था तो मुझे नहीं समझ आ रहा, ऐसा नहीं ना बोलोगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाए, कि बेसिक मैथ्स तो बना रहे हो, इंजीनियर अगर इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट का इंजीनियर समझाएगा कुछ कि रोड में कितना नापा जाता है, तभी जाके होगा ना कि रोड में कितना कंक्रीट गया या कितना बालू गया, वो तो जानोगे, ओके या ये बोलोगे कि नहीं भाई हम तो सी सैट में, यू नो अनफेयर सी सैट में कपिल सिब्बल के साथ थे, तो ये चीज आप किसी और को सिखाओ, ओके हाँ मैंने क्वांट नहीं टच किया, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से पास हुआ हूँ, तो ये चीज है। इसी तरीके से एप्टीट्यूड अगर देखो, अगर हम इनबॉर्न एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन को देख लो, क्या ऐसा कोई पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था जिसने विराट कोहली जैसा मेहनत नहीं की होगी, या कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था जिसने लियोनेल मेस्सी जैसी मेहनत नहीं की होगी, मेहनत तो सभी ने कर सभी करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं लोग, यस उतना ही, मान लो विराट कोहली अगर 8 घंटे बैटिंग करता था तो वहां पर बहुत मिल जाते हैं, हर गली नुक्कड़ में 8 घंटे खेलने वाले मिल जाते हैं, बट वाई विराट कोहली, वाई लियोनेल मेस्सी, मेस्सी और विराट कोहली ही विराट कोहली और मेस्सी क्यों बने, बिकॉज ऑफ एप्टीट्यूड, ओके देयर दे हैड टैलेंट, टैलेंट ही होता है ना अपना एप्टीट्यूड को, टैलेंट एंड एप्टीट्यूड कैन बी सिनोनिमस एप्टीट्यूड में, लेकिन ये भी होता है कि जो स्किल्स आप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम लर्न करते हो वो भी अंदर आ जाते हैं, और टैलेंट क्या होता है, टैलेंट इज रॉ एंड टैलेंट इज इनबॉर्न, ओके टैलेंट इज रॉ एंड टैलेंट इज इनबॉर्न, ठीक है, सो दिस इज योर एप्टीट्यूड। इसी तरीके से अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो क्या होता है, जयशंकर, एस जयशंकर का क्या एप्टीट्यूड था, अगर एस जयशंकर को मैं बना देता मे बी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर, तो क्या उनकी क्या वो बेस्ट IRTS ऑफिसर बन सकते थे, या मैं बना देता इनको सपोज IRS बना देता, IRS IT ऑफिसर, तो क्या वो बेस्ट IRS IT बन सकते थे, द आंसर मे बी यस मे बी नो, लेकिन वो बेस्ट IFS तो बने ना, बेस्ट इंडियन फॉरेन सर्विस बने, वाई, बिकॉज ही हैड एप्टीट्यूड फॉर IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। आप अगर एस जयशंकर का पढ़ोगे, एस जयशंकर का जो बायोग्राफी पढ़ोगे, नॉट बायोग्राफी, ऑफिशियल कोई किताब नहीं है, आई आई वेंट थ्रू एन आर्टिकल ऑन एस जयशंकर, तो उसमें बोला गया था कि एस जयशंकर जब गए थे अपने कलीग्स के साथ पहली पोस्टिंग में एज द थर्ड सेक्रेटरी इन मॉस्को, तो जो चीजें उनके कलीग्स को सीखने में 3-3 महीने लग रहा था, वो चीजें एस जयशंकर वॉज लर्निंग विद इन अ वीक, मतलब जो चीजें 3 मंथ्स में सीख रहे थे उनके कलीग्स, वो चीजें ऑल राइट वो 1 वीक के अंदर सीख रहे थे, जैसे ड्राफ्टिंग हो गया, तो एस जयशंकर वॉज वेरी वेल इन ड्राफ्टिंग, यू नो कम्युनिकेशंस, ओके तो इसीलिए वो टैलेंट पहले से आया, वो एप्टीट्यूड था विच वॉज इन बॉर्न इन 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 डॉक्टर एस जयशंकर, ऑल राइट मे बी हो सकता है कि अगर वो IRTS बन जाते, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, तो वो एक मीडियोकर या एवरेज IRTS ऑफिसर रहते उनका, क्योंकि एप्टीट्यूड नहीं था रेलवे के लिए, ओके उनका क्या था, एप्टीट्यूड नहीं था, तो आपको समझ आ रहा है व्हाट व्हाट डज एप्टीट्यूड मीन्स, ऑल राइट व्हाट डज एप्टीट्यूड मीन्स, तो इसमें दो चीजें हैं, एक है कि आपकी इनबॉर्न अबिलिटीज, आपका इनबॉर्न टैलेंट, और दूसरा क्या है, वट एवर यू हैव अक्वायर्ड, वट एवर कॉम्पिटेंसी, वट एवर कॉम्पिटेंसी यू आर हैव अक्वायर्ड, ओके ड्यूरिंग योर टाइम। अब मान लो कि मेस्सी है, ओके लियोनल मेस्सी है, उसके पास टैलेंट था, लेकिन क्या वो मेहनत नहीं करता, क्या वो मेहनत नहीं करता और अक्वायर कर नहीं करता स्किल्स, वो अपने पेनल्टी शूट शूट्स का प्रैक्टिस नहीं करता, या अपने फ्री किक्स का प्रैक्टिस नहीं करता डे इन एंड डे आउट, तो क्या वो मेस्सी बन पाता, तो वो अक्वायर्ड स्किल्स भी जरूरी है, अलॉन्ग विथ योर इनबॉर्न एप्टीट्यूड, वो अक्वायर्ड स्किल्स भी जरूरी है, विच कंप्लीट्स द
aptitude, okay, completes the concept of aptitude, okay. A person having a better aptitude means he, she has the innate potential to do something. Potential. The word, important word is here, potential. Okay. Potential word hai kyun? Because isko, this is something raw. Aur isko kya karna hai? Process karna hai. Diamond banana hai. Diamond jo nikalta hai mine se, to wo dekhte ho, usko direct nahi becha ja sakta hai. Uspe bahut zyada pressure laga ke usko polish kiya jata hai. तब जाके बेचा जाता है. यस, तो जो आपका एप्टीट्यूड है, इट डजंट मीन बाय जस्ट हैविंग एप्टीट्यूड, बाय जस्ट हैविंग सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स यू विल गो अहेड. उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी. ओके, यू हैव टू ग्राइंड आल्सो. जस्ट बिकॉज यू हैव अ ब्रेन विच कैन प्रोसेस इंटरनेशनल रिलेशंस, which can process geopolitical concept, doesn't mean that aap IFS officer ban jaoge. Aap IFS officer ban jaoge. Nahin, aisa nahin hai. Aap mein potential hai, theek hai. Aap mein potential hai civil servant banne ki, lekin aapne padhai nahi. Aapne aaj tak prelims ka test hi nahi diya, optional ki kitab hi nahi kholi. To kya sirf potential ke basis pe aap IAS IPS ban jaoge? The answer is no. Us diamond ko pressure dena padega, us coal ko pressure dena padega, tabhi diamond banega. Yes? Aptitude also looks at future potential to do something in coordination with present pattern of aptitude and potentialities. Okay. So aptitude sirf present ke bare mein nahi hai. Aptitude aapke present ke bare mein nahi hai, but future potential ko bhi explore kar raha hai. Ki banda future mein kar kya sakta hai. To Chandragupta Maurya ka yaad hai? He was taken in by Kautilya when he was just a child. Uska future potential dekha. Kautilya, after getting humiliated by Nanda's, I think Dhananda tha, right? So, jo Nanda, Dhananda was that ki koi uska beta tha. I'm not very sure, but Nanda, ek jo Nanda king tha, usne unko humiliate kar diya, and then he said ki main apne kesh nahi katwaunga jab tak tumko unseat na kar dun. Then he, okay, Dhananda tha, theek hai. So, then he went, okay, wo ja raha tha us taraf. तो उसको बीच में कौन मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य. ही वाज जस्ट अ किड. तो क्या हुआ वहां पर? वहां पर उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखा. ही सॉ दैट दिस बॉय, दिस 9-year-old किड, ही इज प्ले एक्टिंग एंड ही इज प्ले एक्टिंग लाइक अ किंग. ही हिमसेल्फ अज्यूम्ड, द 9-year-old चंद्रगुप्त मौर्य, ही अज्यूम्ड द रोल ऑफ अ किंग एंड ही वॉज डिस्पेंसिंग जस्टिस. ही वॉज डिस्पेंसिंग जस्टिस. तो एप्टीट्यूड था ना, एप्टीट्यूड था चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर. वो देखा किसने? कौटिल्य ने. और वो था फ्यूचर पोटेंशियल कि हाँ यार, ये बंदे को मैं यूज कर सकता हूँ टू अनसीट द नंदास. ओके, दिस गाय हैज द पोटेंशियल कि ये फ्यूचर में जाके, ओके, ही वो फ्यूचर में जाके कुछ करेगा. और वो क्या यूज किया कौटिल्य ने? प्रेजेंट पैटर्न ऑफ एप्टीट्यूड एंड पोटेंशियलिटीज. वो देखा कि यार, ये तो अभी से 9 साल का बच्चा और इसको इतना दिमाग है कि कैसे डिस्पेंस करना है जस्टिस. जो व्हाट ही वाज प्ले एक्टिंग वाज कि दो बच्चे आए, बोले कि इसने मेरी भेड़ चुरा ली, एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंटली गिविंग रीजंस एंड ही वाज गिविंग जस्टिस कि अच्छा, तुमने भेड़ चुराई तो ऐसा करो, ये करो. ओके, देयर आर मेनी आइटरेशंस. आपने कुछ हो सकता है थोड़ा डिफरेंट पढ़ा हो, बट जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक. So the story is more or less the same. Okay, he was commanding other kids. Yes. Okay. Aptitude for civil servant. Bahubali versus Bhalal Dev. Okay. I have not seen Bahubali, but ho sakta hai sahi ho. Aptitude for civil servant. Dekhte hain. Ye important hai because ultimately questions isi se aata hai. Aur important kya hai ki case studies bhi aapka isi se aata hai. Majority of your case studies is from this part only. Okay. So, yeah, isko detail mein discuss karna is unit ko is very important taki case studies better likh pao. So, aptitude for civil servants is not only based, okay, is not only based on just knowledge and skills, but also is based on value and ethics. Theek hai, aapne dekha ki kafi sare IIT, okay, kafi sare tier 1 colleges ke log,
they are caught in corruption and scandals. They are caught, you know, in incompetent matters. All right. They are caught in, you know, for different crimes. So, yahan par value and ethics bhi utna hi zaruri hai, jitna ki knowledge and skills. Aap ho sakta, you have a 160 IQ, but you are morally corrupt and you do not have a robust value system. So, aptitude for civil servants ka jo, you know, cycle hai, wo complete hi nahi hua. Aap beech hi mein fas gaye. And also, civil servants require a holistic competence. So, 4 E's hota hai, okay? 4 E's hota hai. Uski baat hum next class mein karenge, jo holistic competence ke andar aata hai, okay? Yes. Ab hum baat karte hain types of aptitude ke baare mein. Let us talk about the types of aptitude. Ek hota hai physical aptitude aur ek hota hai mental aptitude. Sabse best example hai jo aapke saath hota hai, personality test of UPSC civil services examination. Civil services examination ke personality test mein kya hota hai? Civil services examination ke personality test mein aapka mental aptitude check karte hain aur uske just ek din baad, after your PT is done, uske ek din baad aapko hospital jana hota hai. Hospital mein kya check karte hain? हॉस्पिटल में आपका फिजिकल एप्टीट्यूड चेक करते हैं. ओके, सो एप्टीट्यूड दो तरीके के होते हैं. एक होता है फिजिकल एप्टीट्यूड, एक होता है मेंटल एप्टीट्यूड. फिजिकल एप्टीट्यूड के एग्जांपल्स क्या है? हाइट, ऑलराइट, चेस्ट ब्रेथ, नॉट दिस, सॉरी, इंटेग्रिटी नहीं है, इसको काट लो. आई विल टेल अदर पीपल ऑल्सो, ये मेरा मिस्टेक. ओके, तो इसमें क्या होता है? हाइट, वेट आ गया आपका. ऑलराइट, आपको पता है ना कि अगर आपका वेट ज्यादा है, BMI आपका ज्यादा है, 25 के ऊपर है, तो यू विल नॉट, आपको सर्विस अलॉट नहीं होगी. अगर आप सिविल सर्विसेज में गए, आपने पर्सनालिटी टेस्ट तक आप चले गए और आप हॉस्पिटल गए और आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है, तो आपको सर्विस अलॉटमेंट नहीं होता है जब तक आप वो BMI कंट्रोल में नहीं ले आओ. ऑलराइट, एंड स्पेशली आई हैव सीन हैपनिंग इन स्पेशली इन द टॉप रैंक्स. यस यस. And BMI is a very stupid way of measuring obesity and all right. Mental aptitude mein kya aata hai? IQ aata hai, certain value based attribute aata hai, honesty and integrity. Okay, honesty aata hai aur kya aata hai? Integrity aata hai. So ye kahan check hota hai? Aapka personality test mein. Aur ye kahan check hota hai? Personality test ke dusre din hospital mein. Physical aptitude bhi zaruri hai, mental aptitude bhi zaruri hai. It is important for services like IPS. IPS ke liye physical aptitude bhi, all right, physical aptitude zaruri hai. You have to be taller than 5'5". 5 foot 5 inch se aapko lamba hona hota hai for men, right? And aapka, you know, flat feet nahi hona chahiye. So why? This is a aptitude na. Ye bhi aptitude hai. 5 foot 5 inch se zyada kyun hona chahiye? Why you should be taller? Because agar aap jaoge, man lo ki riots ho rahe hain, या ऐसा कुछ chaos हो गया है, तो यू नीड टू बी इन अ कमांडिंग पोजिशन. आप हो 5'3" के, तो आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी आपका डीप वॉइस हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप, यू नो, यू कैन नॉट हैव अ कमांडिंग पोजिशन. एंड दिस इज अ ट्रुथ. इट मे हर्ट सम पीपल, बट दिस इज अ ट्रुथ. आप जितने आप लंबे होंगे, उतना आप फिजिकली डोमिनेट कर सकते हो. एंड IPS क्या है? ज्यादा सोचने वाला सर्विस कम है एंड फिजिकली डोमिनेट करने का सर्विस ज्यादा है. ऑलराइट, बट आई हैव सीन सम पीपल, ओके, आई हैव सीन सम पीपल, स्पेशली सम IPS ऑफिसर्स, बट दे वेयर लाइक अ टैड बिट शॉर्टर, तो थोड़ा सा वो हेल्प कर देते हैं. और वहाँ के जो, अगर उतना हार्ड नहीं मानना है, अगर इफ यू आर 5'4" ऑल्सो, तो थोड़ा सा नज हो जाता है वहाँ जाके एग्जाम में. ओके, वहाँ नज हो जाता है. उसी तरीके से फॉरेस्ट सर्विस, आपको पता है ना, 20 किलोमीटर आपको चलाते हैं दिल्ली जू में. ओके, दिल्ली जू में आपको 20 किलोमीटर चलाते हैं आपके पर्सनालिटी टेस्ट के बाद. क्यों चलाते हैं? व्हाट इज द रीजन ये आपको इतना दूर चलाते हैं? बिकॉज फॉरेस्ट में जाओगे तो आपको पेट्रोलिंग पे जाना होगा. अपने जो पोचर्स हैं उनको एंटी पोचर्स एक्टिविटी में. ऑलराइट, तो फिजिकल एप्टीट्यूड जरूरी है दोस्त. उसके लिए फिजिकल एप्टीट्यूड जरूरी है, एज वेल एज मेंटल एप्टीट्यूड जरूरी है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुलिस सर्विसेज. आई टेल यू, बोथ फिजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एप्टीट्यूड. अगर आपके पास मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है ना, तो आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे. रोज रोज का मारपीट, रोज रोज का, यू नो, चोर, मर्डर, ऑलराइट, मास मर्डर्स, रेप्स,
ये सब देखोगे एज अ पुलिस ऑफिसर, ये सब देखते हो, दैट्स वाई स्ट्रेस इज वेरी हाई. अभी एक चेन्नई के डीआईजी थे, ऑलराइट, बहुत ही सैड हुआ. उन्होंने क्या किया है कि ही वाज सफरिंग, ही वाज टेकिंग मेंटल दिस मेंटल हेल्प, ऑलराइट, एंड उन्होंने क्या किया कि अपने बॉडीगार्ड का पिस्टल लेके एंड ही शॉट हिमसेल्फ एंड ही वाज इन स्ट्रेस फॉर द पास्ट 10 इयर्स. बहुत लोगों के बस की बात नहीं है, इसीलिए मेंटल एप्टीट्यूड जरूरी है. हाउ डिसेंसिटाइज यू कैन बी, दैट इज चेक्ड. बहुत लोग अगर आप देखते होगे, टॉपर्स क्या करते हैं, आईएएस लेते हैं, आईआरएस लेते हैं, फिर आईपीएस लेते हैं, या आईएएस आईआरएस या आईएफएस ले लेते हैं, एंड फोर्थ चॉइस या फिफ्थ चॉइस उसके ऊपर बहुत सारे टॉपर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस लेते हैं. सो आईपीएस इतना अनपॉपुलर सर्विस है एक्चुअली में देखो, प्रेस्टीजियस होने के बाद भी जनरल कैटेगरी में 260 के करीब क्यों बंद होता है? ओके, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आईपीएस सभी के बस की बात नहीं है, इट्स अ हाईली स्ट्रेसफुल जॉब. आपको कोई कॉलर पकड़ ले, आपको अगर रोड पे आप जाओ कॉलर पकड़ लो, तो भाई 1 महीने तुम डिस्टर्ब रहोगे. कुछ लोग तो 6-6 महीने डिस्टर्ब रहते हैं, भुला नहीं पाते हो. और एज एन आईपीएस रोज बाल खींच रहा है कोई, यू नो, आपका आपके कॉलर खींच रहा है, आपको कोई मार रहा है, ऑलराइट. जब एक बार आप मॉब में चले जाते हो, तो फिर मॉब वाला नहीं देखता कि तुम्हारे शोल्डर्स पे कितने स्टार्स हैं. उसके लिए सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल और डीएसपी और डीसीपी सब बराबर होता है, तो ठोक देता है मॉब. ओके, एंड वो होता है. तो ये इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव एप्टीट्यूड, और वो असेस किया जाता है बाय यूपीएससी, बोथ फिजिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड. आईआरटीएस में विजन क्यों इंपॉर्टेंट है? आईआरटीएस में विजन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो ट्रेन का सिग्नल वगैरह चेक करना होगा, तो आपको दूर से देखना होगा, और आपके डिसीजन पे आया इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आपके डिसीजन पे बेस्ड होगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा. ऑल्दो अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, बट पहले के जमाने में आईआरटीएस ऑफिसर्स का विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बिकॉज मैनुअल हर चीज होती थी. ओके, सो दैट्स वाई फिजिकल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एप्टीट्यूड बोथ आर इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, बोथ आर इंपॉर्टेंट. इसका हम मेंटल एप्टीट्यूड तो हम बाद में देखेंगे, बट आई थिंक फिजिकल एप्टीट्यूड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी. क्यों जरूरी है फिजिकल एप्टीट्यूड फॉर सर्टेन गवर्नमेंट सर्विसेज? ओके, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट्स, तो इसमें सबसे पहले इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड आता है. दिस काइंड ऑफ एप्टीट्यूड इज बेस्ड ऑन नॉलेज नॉलेज एंड रैशनैलिटी. मीन्स आर ओनली इंपॉर्टेंट देन एंड्स. इसमें क्या है, मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एंड्स से. ओके, तो ये बेसिकली क्या थोड़ा सा पॉइंट कर रहा है डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स की तरफ. ये आपको डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स की तरफ पॉइंट कर रहा होगा. इमैनुअल कांट, कांटियन एथिक्स हमने पढ़ा था ना, राइट, इफ यू गाइज रिमेम्बर. तो इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ, यू नो, एज अ आईपीएस आईएएस आईएफएस व्हाटएवर ऑफिसर. आपको आपका इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड अप टू द पॉइंट होना चाहिए. यू शुड हैव नॉलेज, स्पेशली अगर आप बात करो आईएएस ऑफिसर्स एंड आईएफएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स, ये सारे क्या हैं, इनको अप टू डेट करना है. आईपीएस को पता रहना चाहिए कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है. उसके लिए ही शुड हैव एन इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड, उसके लिए ही शुड हैव द इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड. आईएफएस ऑफिसर, ही शुड नो कि रशिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है. और वो कब पता लगाएगा, कब पता लगाएगा वो कि रशिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, डीपली, ताकि कल को अगर इंडिया को जरूरत पड़े तो ही कैन डिस्पेंस हिज नॉलेज इफ ही इज गोइंग टू हैव इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड. एंड द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव सीन दैट इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड इज लैकिंग बिग टाइम. पीपल डू नॉट वॉन्ट टू अप स्किल देमसेल्फ. एक तरीका हम बोल सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड ट्रांसलेट्स, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड ट्रांसलेट्स टू द पर्सन विलिंग टू अपस्किल हिमसेल्फ वाइल बीइंग इन द सर्विस. बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं हु हैव नॉट अपडेटेड देमसेल्फ्स सिंस द मे बी इन द अर्ली 2000s. वहीं चल रहे हैं, अर्ली 2000s वाले वाले ही माइंडसेट में वो चल रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री. एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आईएफएस के साथ एंड व्हाई इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ आईएफएस especially from the 1990s batch, अगर उनसे आप बात करोगे तो they are still in the Soviet era. और रशिया हमारा best friend है, और रशिया को हमें करना चाहिए, और 1971
करना चाहिए एंड 1971 में उन्होंने हमें बचा लिया था. ओके, सो दे हैव नॉट अपडेटेड देमसेल्व्स कि भाई रशिया का वो खत्म हो गया है. रशिया का जो एरा था, आप यूएसएसआर का जो एरा था, हिंदी हिंदी रशियन भाई भाई वाला एरा था, दैट इज ओवर. एंड दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड. यू डू नॉट वॉन्ट टू रीड, यू डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी, यू आर नॉट विलिंग. आईपीएस ऑफिसर अभी भी उनको नहीं पता है कि वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रहा है, न्यूयॉर्क पुलिस क्या कर रही है. साइबर अटैक हो जाए तो अभी भी पता है क्या होता है. मतलब मैं ऐसी ऐसी चीज आपको बता सकता हूं जो मैं नहीं बताऊंगा, जिससे रोना आ जाएगा. ओके, आई आई नो अ गवर्नमेंट ऑफिस जहां पर अभी भी विंडोज ये चल रहा है. 2007 वाला क्या था, विंडोज 7 था ना, विंडोज 7 एंड विंडोज विस्टा चल रहा है. ओके, एंड दे हैव नॉट अपडेटेड. और अगर किसी ऑफिसर को प्रिंट आउट निकालना है तो ही हैज टू फर्स्ट टेक परमिशन, ही हैज टू फर्स्ट टेक परमिशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट इधर परमिशन जब ग्रांट करेगा तब एक प्रिंट आउट निकलेगा. आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम एन ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. सो दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड दैट मेजोरिटी ऑफ द ऑफिसर्स दे आर लिविंग इन द 2000s और वर्स इन द 1990s. अपने आप को अपडेट ही नहीं किया उन्होंने. दे डोंट नो वॉट इज हैपनिंग. आईएएस ऑफिसर, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है दोस्त? ऑल राइट, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है आईएएस की, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर कर सके. अभी एक न्यूज आया था, एक न्यूज आया था फ्रॉम बिहार. उसमें एक आईआईटीएन था, आईआईटी कानपुर का आईएएस था, एंड ही यूज गूगल मैप्स. गूगल मैप्स टू फिक्स ड्रेन्स इन हिज सिटीज. समस्तीपुर का था या कहाँ का था, कटिहार का था, फ्रॉम आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ही वॉज फ्रॉम आईआईटी कानपुर. एंड वॉट ही डिड वॉज यूज गूगल मैप्स टू फिक्स ड्रेन्स, एंड ही वॉज अ यंग ऑफिसर, एसडीएम पोजिशन पे था. एंड ये देखो, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड अगर होता ऑफिसर्स में तो सारे ऑफिसर्स समझ जाते कि भाई ये अगर ये बंदा गूगल मैप्स यूज करके पूरे सिटी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर दिया है तो लेट अस ऑल्सो अपस्किल आर सेल्व्स, लेट अस ऑल्सो डू. बट पूरे बिहार में कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? बिकॉज पीपल आर अनविलिंग, दे डू नॉट हैव द एपेटाइट फॉर नॉलेज एंड रैशनैलिटी. मतलब वो नहीं होता, मैंने बताया था ना, सुअर जैसे पड़े रहना. वाई मेजोरिटी ऑफ पीपल ज्वाइन द सर्विसेज? या गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? एसएससी सीजीएल से क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब? या आईएएस क्यों बनना है? या आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है? सुअर की तरह पड़े रहना. ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत देश को आगे ले जाना है. दैट इज द रियालिटी माई फ्रेंड्स, दैट इज द रियालिटी. ये मत लिखना कि सुअर जैसा पड़े रहना, थोड़ा सा उसको लिपस्टिक लगा के अच्छे से लिख देना, बट डोंट राइट इस टाइप की भाषा. ठीक है, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब हम आ जाते हैं इमोशनल एप्टीट्यूड पे. ओके, इमोशनल एप्टीट्यूड पे. सो दिस इज बेसिकली कंट्रोल ऑफ इमोशन ड्यूरिंग योर ड्यूटी, एक वन एस्पेक्ट है. देन दिस एप्टीट्यूड मेनली डील्स विद बिहेवियरल एथिक्स विच लार्जली डील्स विद पब्लिक सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स. लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड. दिस इज, अभी पता है 50 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले अगर आप आईपीएस थे, आईएएस थे, दो थप्पड़ लगा देते अपने प्यून को, या दो थप्पड़ अपने सबऑर्डिनेट को लगा देते, या माँ बहन की गाली दे देते अपने सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट सुन लेते, पब्लिक सुन लेती, पब्लिक को लात मार देते थे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, आईपीएस ऑफिसर्स, तो सुन लेती थी पब्लिक. 50 साल 60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आज के डेट में कोई नहीं सुनता है. आज के डेट में आप मतलब बेसिक यू नो गुस्सा नहीं हो सकते हो. एंड योर सबऑर्डिनेट्स आर वेरी कनिंग, द सबऑर्डिनेट्स आर वेरी एजुकेटेड, द पब्लिक इज कनिंग एंड एजुकेटेड. सो बेसिकली आप घिरे हुए हो, थोड़ी सी गलती एंड यू आर सस्पेंडेड और शंटेड आउट. ऑल राइट, तो ये इमोशनल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. इमोशनल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आई वॉज लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन वन ऑफ माई फ्रेंड सेंट टू मी, एंड दिस एसपी वॉज बीरेटिंग हिज सबऑर्डिनेट, हिज जूनियर इंस्पेक्टर को डांट लगा रहा था. एंड उसमें बोला कि तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है. तब तक वो चुप था. एंड ही वॉज एट फॉल्ट, कुछ ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया था. एंड ही वॉज एट फॉल्ट, इंस्पेक्टर वॉज एट फॉल्ट.
लेकिन देन द पर्सन द एसपी ही लैक्ड इमोशनल एप्टीट्यूड एंड वो गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ही डिड नॉट कंट्रोल हिज इमोशन और उसने माँ बहन की गाली दे दी. एंड देन द इंस्पेक्टर हु वाज एक्चुअली एट फॉल्ट टुक दैट इंसिडेंट कि माँ बहन की गाली तुमने कैसे दी, अब मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा. तो दैट आई एस पी केम ऑन द बैकफुट. आप समझ रहे हो वॉट इज द प्रॉब्लम हेयर. आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो यू कैन नॉट कंट्रोल योर सबॉर्डिनेट्स हु हैव बिकम एजुकेटेड एंड कनिंग. ऑल राइट, हु हैव बिकम एजुकेटेड एंड एज अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन दे हैव ऑल्सो बिकम कनिंग. वो जानते हैं कि सर को कैसे तंग करना है. ओके, सर को कैसे तंग करना है. एंड दिस हैज हैपेंड अ लॉट. ओके, दिस हैज हैपेंड अ लॉट एंड एस्पेशली व्हेन यू आर अ मिड करियर ऑफिसर. मिड करियर ऑफिसर तो आपके सबॉर्डिनेट्स करेंगे क्या? ओके, आपके सबॉर्डिनेट्स करेंगे क्या? दे विल ट्राई टू डिच यू फॉर अ सीनियर ऑफिसर. हायरार्की होती है ना, सपोज ऐसे हायरार्की है, यहाँ पर सुपर सीनियर बैठे हैं जिसको जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर ग्रुप डी वाले मल्टीटास्किंग वाले लोग बैठे हैं, यहाँ पर ग्रुप सी वाले लोग बैठे हैं, यहाँ पर ग्रुप बी वाले लोग बैठे हैं और यहाँ पर आप बैठे हो एज एन यंग आईपीएस और यंग आईएएस. तो ये जो ग्रुप सी वाले हैं और ये जो ग्रुप बी वाले हैं, व्हाट दे विल डू, दे विल बाईपास यू और इस सुपर सीनियर से जाके मिल लेंगे और उनके खास बन जाएंगे. उनके क्या बन जाएंगे? खास बन जाएंगे, उनका उनके गुड बुक्स में आ जाएंगे, उनके घर पे आम पहुंचा देंगे, उनको उनको यू नो कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, इस टाइप की हरकतें करते हैं. एंड ऐसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलता है, लेट मी टेल यू, कॉम्पिटेंस पे नहीं चलता है. यहाँ पर क्या है, आपको इमोशन अपना कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज दीज पीपल ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी पीपल, नॉट ग्रुप डी पीपल बट ग्रुप बी ग्रुप सी पीपल, दे विल ट्राई टू ओके जम्प द हायरार्की और आपको फिर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे. उसमें क्या है, आप गाली गलौज करेंगे, आप पे केस होगा, कैट जाएगा केस. ओके, कैट में क्या होगा, सिंपथेटिक व्यू लिया जाता है. कैट में एक चीज समझ लो, दैट सबॉर्डिनेट आपकी कंप्लेन लेके जाएगा, सबॉर्डिनेट आपकी कंप्लेन लेके जाएगा तो वहां पर कैट विल टेक अ सिंपथेटिक व्यू कि यार ये सबॉर्डिनेट है, इसको जरूर सीनियर ने तंग किया होगा. सबॉर्डिनेट कितना कनिंग है ये नहीं देखा जाता. तो यहां पर क्या है, आपको इमोशन कंट्रोल करना है. जो भी एक्शन लोगे, सपोज देर इज अ इनसबॉर्डिनेशन का केस है, ओके, जो भी एक्शन लोगे इट हैज टू बी अंदर अंदर विदाउट शोइंग एनी इमोशंस, कागज पे होना चाहिए, इट शुड नॉट कम आउट ऑफ योर माउथ. यहां समझ रहे हो व्हाट इज द इशू हियर. मुंह से अगर करोगे, हाथ से करोगे, अगर हाथ छोड़ दिया आपने तो सबॉर्डिनेट का तो कुछ नहीं होगा, तुम ही शंटेड आउट हो जाओगे, तुम पे चार केस हो जाएंगे. गाली दे दी तुमने, सबॉर्डिनेट विल मेक अ केस, कैट में जाके रोने लगेगा, अब तुम क्या करोगे? राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो. भाई प्रमोशन में पता है क्यों नहीं लगा देते, यूनियन बन जाती है ना, तो यूनियन बन जाती है. ओके, दे फॉर्म यूनियन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सह लेंगे बट दे फॉर्म यूनियन. अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे, उनको बोलोगे कि 10 बजे क्यों नहीं आते हो, 10:15 में क्यों आते हो, यूनियन बना के, ठीक है भाई, वो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो आपका इमोशनल इमोशन, आप इमोशन के साथ कर ही नहीं सकते. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आईपीएस ऑफिसर यू नो रूइनिंग देयर पोस्टिंग, नॉट देयर करियर बट रूइनिंग देयर पोस्टिंग बिकॉज दे गॉट इंटेंगल्ड विथ अ कनिंग जूनियर. और जूनियर अगर आपको उल्टा माँ बहन की गाली देगा तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, ये बताओ. ऑल राइट, अगर जूनियर आपको माँ बहन की गाली उल्टा दे देगा तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? पहले सुन लेता था, दैट आई मेड इट क्लियर कि 50-60 साल पहले, 40 साल पहले, इवन 20 ईयर्स बैक, इवन 15 ईयर्स बैक सुन लेता था. ओके, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. पब्लिक के साथ डीलिंग, भाई आज एवरी वन हैज अ स्मार्टफोन विथ अ वीडियो कैमरा, आप कुछ नहीं बोल सकते उनको. एवरी वन हैज अ स्मार्टफोन विद अ वीडियो, तुरंत वायरल हो जाओगे, तुरंत वायरल हो जाओगे. आईएफएस क्यों पॉपुलर हो रहा है, आईएफएस क्यों पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज अर्बन किड्स आर सीइंग रोज रोज की चिक चिक, रोज रोज का लफड़ा. ऑल राइट, रोज रोज की चिक चिक है, रोज रोज का लफड़ा है, दे आर ऑप्टिंग फॉर आईएफएस. दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द रीजन. पीपल से कि चिक चिक में कौन पड़ेगा, एवरी वन हैज अ वीडियो कैमरा. बट अगर आपकी सोच है मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा. यू हैव टू हैव इमोशनल एप्टीट्यूड बिकॉज पब्लिक तुरंत आपको टास्क पे ले लेगी.
आप पब्लिक के साथ बिहेव कैसे कर रहे हो, ठीक है? आप आवाज ऊंची नहीं कर सकते हो, फॉर गॉड सेक। आपने आवाज ऊंची कर ली तो आपका वीडियो वायरल, और पॉलिटिकल प्रेशर आने लगेगा कि अगले साल इलेक्शन है, तुमने इस पार्टी के इस प्रतिनिधि को ऐसे क्यों बोल दिया। आप बोल भी नहीं सकते हो, सर वो तो आके मुझे गाली दे रहा था। बट आपको संयम बरतना चाहिए पीपल से, आपको पेशेंस। यू आर द बेटर पर्सन, यू आर द आईएएस ऑफिसर, यू हैव टू हैव पेशेंस। ओके, सो ये चीज है दैट इट्स अ टोटल क्रैप शो। एंड वहां पर इमोशनल एप्टीट्यूड, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला दैट्स वाई इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स एग्जैक्टली वाई इमोशनल एप्टीट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्टीट्यूड दैट यू कैन हैव। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? इमोशनल एप्टीट्यूड अगर नहीं है आप में, तो दिस विल इम्पैक्ट योर प्राइवेट लाइफ एज वेल, दिस विल इम्पैक्ट योर प्राइवेट लाइफ एज वेल। ओके, सो वहां पर भी आपको देखना है। मैरिज खराब होगा आपका, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशंस खराब होंगे, बच्चे के साथ रिलेशंस खराब होंगे, घर के ऑफिस की टेंशन अगर घर ले जा रहे हो, ऑफिस की टेंशन घर ले जा रहे हो, यू कैन नॉट गिव टाइम टू योर किड्स एंड योर योर स्पाउस। ओके, सी इट्स अ चिल एटमोस्फेयर मोर और लेस। अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो, काम नहीं करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ऑफिस इज अ वेरी चिल्ड एटमोस्फेयर, बहुत चिल्ड है। ओके, प्रॉब्लम है कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग, ओके, पीपल एक्सपेक्ट सीनियर्स, द सबॉर्डिनेट्स एक्सपेक्ट सीनियर्स जो कि खुद काम ना करे। ओके, वो भी चिल रहे, सब चिल रहे हैं, मतलब चिल 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 हो रहा है, दिन भर चिल हो रहा है। ओके, 3-3 घंटे का लंच ब्रेक हो रहा, अभी भी होता है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, द आंसर इज नो। अभी भी 3-3 घंटे के लंच ब्रेक मैंने आंखों से देखा है, बंदा सो के आ रहा है, आंखों में वो नहीं होता, वो बन जाता है सोने के बाद, वो ऐसे ऐसे करके आ रहा है। आई हैव सीन इट विथ माई ओन आईज इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। तो आप कैसे बोल सकते हो? सो इमोशनल एप्टीट्यूड जरूरी है ऐसे, इस टाइप के सबॉर्डिनेट से डील करने के लिए, इस टाइप के पब्लिक से डील करने के लिए, इस टाइप के सुपीरियर से डील करने के लिए। सुपीरियर्स भी अलग अलग दिक्कत है, सुपीरियर आपको ब्लडी क्या कह देगा। ऑल राइट, आप सुपीरियर से लड़ नहीं सकते हो, आप सुपीरियर से लड़ नहीं सकते हो, करियर बर्बाद हो जाएगा आपका। जब तक वो सुपीरियर रिटायर नहीं हो जाता, आपके करियर पे एक टेम्पररी लिड लग जाएगा। ओके, माई ग्रैंड फादर्स ब्रदर, एल्डर ब्रदर, ही वॉज अ कर्नल, ही वॉज अ कर्नल एंड ही हैड डन द ट्रेनिंग फॉर ब्रिगेडियर एंड ही वॉज टू बी प्रमोटेड इन अ मंथ, ब्रिगेडियर बनने वाले थे एंड ही वॉज ऑफर्ड अ ड्रिंक बाय हिज मेजर जनरल, एंड मेजर जनरल का ड्रिंक उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और लड़ाई कर ली। रादर देन बींग काम, द कर्नल, माई ग्रैंड फादर्स ब्रदर जो कर्नल थे, उन्होंने लड़ाई कर ली, इनफ इमोशनल एप्टीट्यूड नहीं था, और उसके बाद ब्रिगेडियर का प्रमोशन रुक गया एंड ही हैड टू रिटायर इन 3 मंथ्स। रादर देन गेटिंग प्रोमोटेड टू ब्रिगेडियर, उनको ऐसा कर दिया गया मेजर जनरल ने कि 3 महीने में रिटायर करना पड़ा। तो वहां पर भी सुपीरियर के साथ कैसे डील करना है, इमोशनली आपको पता रहना चाहिए। ऑल राइट, एंड यू हैव टू बी वेरी कोल्ड, कुछ नहीं सोचना है। ऑल राइट, अगर आपको डिसमेंटल करना है पब्लिक को, डिसमेंटल करना है सबॉर्डिनेट को, डील करना है सुपीरियर से, तो यू हैव टू बी वेरी कोल्ड एंड कैलकुलेटिव, यू हैव टू बी वेरी कोल्ड एंड कैलकुलेटिव एंड यू हैव टू बी रूथलेस। ओके, यू हैव टू बी रूथलेस। अब मोरल एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं, तो मोरल एप्टीट्यूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स अ लेयर विच इंश्योर्स दैट अ क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन। सो इट इंक्लूड्स मोरल वैल्यूज लाइक एम्पथी, कंपैशन एंड जस्टिस, मीन्स एंड एंड्स बोथ आर इंपॉर्टेंट हेयर। तो वहां पर क्या था, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड में मीन्स आर ओनली इंपॉर्टेंट देन एंड्स, एंड यहाँ पर क्या है, बोथ मीन्स एंड एंड्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, यस, डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लैक ऑफ डिसिप्लिन इज अ ट्रेट ऑफ अ सबॉर्डिनेट, हमेशा याद रखना, लैक ऑफ डिसिप्लिन इज अ ट्रेट ऑफ अ सबॉर्डिनेट। देर वॉज दिस पर्सन हु वॉज अ कमांडेंट, मेरे फादर के दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, एंड वी वेंट टू हिज कमांड, ओके, कमांड हेडक्वार्टर्स, और वहां पर हमें, हमने गेस्ट हाउस में रुका, हम रुके थे, तो वी सॉ द पर्सन, आई सॉ द पर्सन हु वॉज द कमांडेंट, एंड ही गॉट अप एट 4 AM एंड ही रैन द इंटायर बटालियन,
जो बटालियन का उनका हेडक्वार्टर्स था वो बहुत बड़ा था, स्प्रॉलिंग कैंपस था समवेयर इन वेस्ट बंगाल. ओके एंड ही रैन द इंटायर कैंपस. ओके एंड देन आई आस्क्ड हिम कि मतलब आप सुबह यू आर द कमांडेंट, आपको क्या जरूरत है भागने की? सो ही सेड कि यू नो इफ आई विल डू इट, अगर मैं डिसिप्लिन दिखाऊंगा तो मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी मेरे बॉयज हैं, दे विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड. तो इन लैक ऑफ डिसिप्लिन इज फॉर सबॉर्डिनेट. और आप जब खुद डिसिप्लिन नहीं होगे तो आप डिसिप्लिन इन्फोर्स नहीं कर सकते हो. ओके आप डिसिप्लिन इन्फोर्स नहीं कर सकते हो. अगर सपोज आपके यू आर लीडिंग अ बटालियन ऑफ यू नो पुलिस कॉन्स्टेबुलरी, ओके, या कोई रैपिड एक्शन फोर्स आप लीड कर रहे हो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लीड कर रहे हो, और आपने डिसिप्लिन वहां नहीं दिखाई एंड द सबॉर्डिनेट्स उन्होंने सेंस कर लिया देर इज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक लस्टर एटीट्यूड, तो दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू माई डियर. ओके दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, सिंपल एज दैट. तो डिसिप्लिन, अगर आप ही खुद 11 बजे आ रहे हो ऑफिस, 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, तो तुम्हारा सबॉर्डिनेट क्यों आएगा यार 10 बजे? आपका सबॉर्डिनेट 9 बजे क्यों आएगा जब आप खुद आ रहे हो 10 बजे? मोदी जी कितने बजे चले जाते हैं? 8 बजे 7 बजे ऑफिस में प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई ही एक्सपेक्ट हिज मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज ओके टू बी देयर ऑन टाइम. ऑल राइट सो ये चीज आपको ध्यान रखना है. बेस्ट एग्जाम्पल विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल में प्राइम मिनिस्टर, वट एवर योर पॉलिटिकल यू नो आइडियोलॉजी इज और वट एवर योर ग्रीवांसेज इज, ठीक है मेरे भी ग्रीवांसेज है मैं मानता हूँ, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर. ऑल राइट 7 बजे 8 बजे पहुंच जाते हैं वो. दैट्स वाई ही एक्सपेक्ट्स कि मेरे सारे सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स होने चाहिए. रात को 2 बजे तक काम कर रहे हैं, रात को 3 बजे तक काम कर रहे हैं. ही विल एक्सपेक्ट यू एज अ सेक्रेटरी और एज अ जॉइंट सेक्रेटरी कि आपके पास फाइल होनी चाहिए, और वो कभी भी आपको फोन कर लेंगे 3 बजे 4 बजे एंड यू हैव टू एक्सप्लेन टू हिम कि सर ऐसे ऐसे होता है या ऐसे होता है. ओके सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो प्राइम मिनिस्टर का. ओके देन ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीजें हैं. ओके बहुत सारी चीजें हैं आपको ऑन स्पॉट करनी पड़ेगी. सर इनकाउंटर कर दे करोगे ऐसे नहीं कर सकते हो. इनकाउंटर कर दे कर दो. सर हम घेर लिए गए हैं. ओके मैम हम घेर लिए गए हैं, हम पे पत्थर मारे जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं कर सकते हो. यू हैव टू मेक ऑन स्पॉट. बोलो मारो गोली मारो हम देख लेंगे. और उसमें सेकंड आता है अबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग. किसने गोली चलाने की परमिशन दी थी? सर मैंने दी थी. ओके सर मैंने दी थी, आई गेव द परमिशन बिकॉज दे वेर बींग हाउंडेड. रांची में क्या हुआ था? रांची में एक वो हुआ था ना, मॉब का इशू हुआ था, तो वो पत्थराव हुआ था. तो उसमें क्या हुआ था दैट उनको पत्थर मारा जा रहा था सिपाही को, एंड द एसपी वॉज नॉट रेडी, एंड द एसपी वॉज नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज बॉयज और टू डू एनी ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग. ओके तो ये इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में. ऑल राइट सिविल सर्विसेज में ये इंपॉर्टेंट है. इवन इन IFS फॉरेन सर्विस में भी इंपॉर्टेंट है, IRS में भी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन IAS एंड IPS. ऑल राइट सम सपोज सम लीडर ऑफ अ कंट्री, आप किसी कंट्री में पोस्टेड हो, उसने कुछ ऑफर दे दिया एंड यू हैव टू से यस ऑन द स्पॉट, तो आप क्या करोगे? यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू विल से यस एंड यू विल से कि सर उस समय यस कहना जरूरी था इसलिए मैंने उस डील को यस कह दिया एंड दिस इज द रीजन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अगर आपको गलत लग रहा है तो आप मुझे वापस बुला लो इंडिया, लेकिन आपको करना पड़ेगा ना ताकि इंडिया का भला हो. ओके ठीक है, इसका PDF शेयर्ड है, इसका PDF इज शेयर्ड ऑन द ग्रुप. ओके अबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हु आर जेन्युइन एंड फेक पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन जेन्युइन है कौन फेक है? आप एक IAS ऑफिसर हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के स्टार हैं, आप सब पूरी डिस्ट्रिक्ट की 20 लाख लोगों की नजर आपके ऊपर है, एवरीवन नोज यू, तो बहुत सारे फेक लोग आपसे अटैच होना चाहेंगे, आपको यूज करने के लिए, आपको अब्यूज करने के लिए. दे विल इनवाइट यू टू देयर वेडिंग, ठीक है महंगे गिफ्ट देंगे, तो पता रहना चाहिए. ओके पता रहना चाहिए हु आर द फेक पीपल. ओके एंड आई हैव सीन माई फादर सुपीरियर्स, मेरे फादर के सुपीरियर हैं कुछ ऐसे, इतने अच्छे लोग हैं दैट दे नो कि कौन यू नो चाटुकारिता कर रहा है, कौन आम पहुंचवा रहा है, कौन मिठाई पहुंचवा रहा है और कौन ग्राउंड पे काम कर रहा है.
ओके देर इज अ पर्सन, उन्होंने वो यू नो ही केम विथ अ बिग ऑल राइट बिग बॉक्स ऑफ स्वीट्स एंड ही सेड कि यार मेरे घर कोई नहीं खाता, द सुपीरियर सेड यार मेरे घर कोई नहीं खाता ले जाओ वापस, एंड व्हेन ही वेंट ओके ही स्टार्टेड पुशिंग कि ले लो सर ले लो सर ले लो सर, ही सेड नहीं नहीं चाहिए, एंड देन ही व्हेन ही लेफ्ट ही टोल्ड माय फादर कि इसको जरूर ट्रांसफर कराना होगा अपना, या इसको जरूर अपनी कहीं पोस्टिंग करानी होगी, एंड दैट ही वाज राइट, उसको कहीं ट्रांसफर कराना था, दैट्स व्हाई उसको उसने वो स्वीट्स का डब्बा दिया. तो एज अ ऑफिसर, एज एन ऑफिसर आपको पता रहना चाहिए कौन फेक पीपल है एंड कौन जेन्युइन है, बिकॉज देन ओनली यू कैन हैव गुड सबऑर्डिनेट्स, यू कैन हैव व्हाट गुड सबऑर्डिनेट्स. नहीं तो बहुत सारे हैं ऐसे लोग हैं जो चाटुकारिता करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. ओके अबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन टॉलरेंस एंड परसीवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स. टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आप देखोगे ठीक है, मिनिस्टर डांट देगा, मिनिस्टर डांट देगा, और एज एन एस्पायरिंग लेडी ऑफिसर्स जो भी लेडीज हैं यहाँ पर उनको स्पेशली ऑल राइट, आप एक पैट्रियार्कल सिस्टम में जा रहे हो ऑल राइट, वहां पर बहुत सारी चीजें आप ऐसी देखोगे आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा बाय डिफॉल्ट, पैट्रियार्कल सिस्टम में हो तो वो देखेंगे कि यार ये IAS क्यों बनी फिर रही है, इसको तो घर पे होना चाहिए, ऐसा माइंडसेट लेके चलते हैं लोग. तो यू हैव टू हैव टॉलरेंस कि ठीक है ये पैट्रियार्कल सिस्टम है, ये पैट्रियार्कल सिस्टम है, इसको मैं चेंज करने आई हूँ, और इसके लिए क्या लगेगा, परसीवरेंस लगेगा, लेकिन तब तक मैं क्या करूंगी, टॉलरेंस दिखाऊंगी, परसीवरेंस लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. परसीवरेंस इज दी आई थिंक इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट. व्हाई? बिकॉज सिस्टम इज डेड, सिस्टम इज डेड फ्रॉम इनसाइड. सिस्टम क्या है, अंदर से सड़ा हुआ है. सिस्टम को चेंज करने जाओगे तो क्या होगा, निहिलिज्म आएगा आपके अंदर. आप जाओगे फर्स्ट डे आप बोलोगे कि सर रोड बनानी है, और मिनिस्टर है 8वीं पास अंगूठा छाप देहाती, क्या बोलेगा, भक्त देखो कुछ नहीं आता है, जब मैं टेंडर पास करवाऊंगा और मेरा फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर लेगा तब. तो यू हैव टू हैव टॉलरेंस फॉर हिम एंड यू हैव टू हैव परसीवरेंस. बार बार जाओगे, फिर दूसरे मिनिस्टर के पास जाओ, फिर CM के पास जाओ, फिर अपने DM के पास जाओ कि सर रोड बनाना है, कोई ना कोई जरूर हाँ कहेगा, लेकिन उस मिनिस्टर ने डांट दिया इसीलिए चुपचाप बैठ के नहीं, अब तो मैं भी खाऊंगा ये मिनिस्टर के जैसा, मैं भी खाऊंगा, मैं भी डांटूंगा, एंड आई विल ऑल्सो परपेचुएट निहिलिज्म इन माई ऑफिस, एंड आई विल ऑल्सो परपेचुएट निहिलिज्म इन माई ऑफिस. लेडीज को रिस्पेक्ट करते हैं सबऑर्डिनेट्स यस, बट पब्लिक नहीं करती है, बहुत जगहों पे पब्लिक नहीं करती है, एंड दैट इज अ फैक्ट. अब यहाँ आ जाओ एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, तो ये डोमेन कॉम्पिटेंस, IFS में जा रहे हो IRS में जा रहे हो तो पता होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, टैक्स लॉज में क्या चल रहा है. ऑल राइट, यू हैव टू हैव योर डोमेन कॉम्पिटेंस. IPS हो तो क्या क्राइम और यू नो क्राइम क्रिमिनल्स में क्या चल रहा है, फॉरेंसिक में क्या चल रहा है, तो यू हैव टू हैव डोमेन कॉम्पिटेंस. देन इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने बताया इट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं तो खराब हो जाएगा. इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तभी ना सिलेक्शन के बाद ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट में लाने के बाद लोग सुसाइड कर रहे हैं. ओके इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को नहीं सेपरेट कर सकते हैं लोग, या अपने यू नो उस टाइप से चीजें नहीं देख सकते, उस टाइप से चीजें नहीं देख सकते हैं जो देखनी चाहिए उनको, तभी ना सुसाइड हो रहा है. ऑल इंडिया रैंक 14, ओके देर वॉज दिस गाय बक्सर DM मुकेश पांडे, ऑल राइट 14 रैंक लाने के बाद आपको क्या लगता है कि तो जिंदगी में खुशी खुशी, आपको अगर मान लो नेक्स्ट ईयर 14 रैंक आ जाए तो आप क्या बोलोगे, अब तो मेरी जिंदगी में खुशी खुशी, बट क्या आप कभी सोच सकते हो 14 रैंक लाने वाला बंदा का सर मतलब हिज हेड विल बी कट ऑफ ऑन अ गाजियाबाद ट्रैक, बट वाई वॉट इज द रीजन, बिकॉज ही वॉज नॉट, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ गुड ऑफिसर, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग DM एंड अ क्लीन इमेज DM, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस उतना नहीं होगा दैट ही वॉज एबल टू यू नो सेपरेट हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है, देन एथिकल बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ यू आर फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट. ओके देन एटीट्यूड, आप अपना वैल्यू सिस्टम कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके ऑब्जेक्ट की तरफ आपका क्या एक्शन है, उस ऑब्जेक्ट की तरफ आपका क्या रिएक्शन है, ऑल ऑफ देम इज इंपॉर्टेंट एंड मेक्स द एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट. अब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है, एप्टीट्यूड इज अबिलिटी टू अक्वायर स्किल्स नॉलेज एंड अबिलिटीज, वेयर एज एटीट्यूड इज अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट. मैंने बताया था लास्ट
टू लास्ट टू लास्ट क्लास में दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड एटीट्यूड कैन नॉट सर्वाइव. ओके, और वो वाला भी आपको याद होगा डायग्राम, अंदर में क्या था, सबसे अंदर क्या था, यहाँ पर चलो आपका वैल्यूज आ गया, यहाँ पर बिलीफ आ गया सबसे अंदर कोर में, एंड देन एटीट्यूड. ओके, तो एटीट्यूड के लिए क्या था, यहाँ तक तो नॉर्मल है, विदाउट ऑब्जेक्ट काम कर जाता है, बट ये एटीट्यूड में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. ओके, इट इज मोर अबाउट हाउ वी मैनेज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को आप कैसे मैनेज करते हो, वेयर एज एटीट्यूड इज टेल्स यू हाउ टू परसीव अ सिचुएशन, हाउ टू परसीव समथिंग. ऑलराइट, इसमें मैंने बताया था एटीट्यूड के तीन पार्ट है, कैन यू गाइज रिकलेक्ट एनीवन, आई थिंक जीएस कैन रिकलेक्ट या रंजन कर सकता है. एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट थे, जीएस कैन यू टेल मी व्हाट वर दोस थ्री कंपोनेंट्स, या हर्षित बता सकता है, तीन कंपोनेंट्स थे हमारे एटीट्यूड के. कैब, ओके, यस, कॉग्निटिव, करेक्ट, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, बिहेवियोरल या बिहेवियरल, ठीक है, ये तीन था. कैब एक अच्छा तरीका याद करने का, तीन कंपोनेंट. ओके, तो यहाँ पर क्या है, परसीव कर रहे हो आप, परसीव कैसे कर रहे हो, पहले देख रहे हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है थ्रू कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव मतलब इमोशंस ला रहे हो. ओके, एंड देन बिहेवियर आप एक्ट कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ यू आर परसीविंग समथिंग. एप्टीट्यूड इज एसोसिएटेड विद स्किल एनहांसमेंट ऑब्वियसली एंड नॉलेज एनरिचमेंट, आपका जो स्किल्स है वो डे पर डे राइट वो बढ़ रहा है. अब यहाँ पर देखोगे लबासना में मिड करियर ट्रेनिंग क्यों होती है, मिड करियर ट्रेनिंग जब आईएएस ऑफिसर 20 ईयर्स पूरा कर लेते हैं तो वो जाते हैं लबासना में फिर से एक साल के लिए अपना मिड करियर ट्रेनिंग के लिए, दैट इज फॉर स्किल एनहांसमेंट, एप्टीट्यूड बेटर करने के लिए, बिकॉज नाउ दे हैव बीन डीएम्स, दे हैव बीन एसडीएम्स, दे हैव बीन एडीएम्स, दे हैव बीन डिविजनल कमिश्नर्स, नाउ दे आर गोइंग टू डॉन अ डिफरेंट रोल, अब उनको डिफरेंट सेट ऑफ एप्टीट्यूड चाहिए टू वर्क एज सेक्रेटरीज इन मिनिस्ट्रीज. ओके, एंड दिस इज मोर अबाउट वर्च्यूज, योर एटीट्यूड इज मोर अबाउट वर्च्यूज एंड वैल्यूज और उसके एप्लीकेशन. हमने बात की थी एटीट्यूड क्या है, वैल्यू प्रोजेक्शन, वॉट इज एटीट्यूड, वैल्यू प्रोजेक्शन, आप अपने वैल्यू सिस्टम को दूसरों को कैसे दिखा रहे हो. अब मुझे कैसे पता है कि अभी एक अच्छा लड़का है या अंकित एक अच्छा लड़का है या बाकूबो इज अ गुड मैन, जब तक वो एटीट्यूड से नहीं दिखाएगा मुझे कैसे पता चलेगा उनके अंदर में क्या वैल्यू सिस्टम. सो आउटवर्ड प्रोजेक्शन हमेशा याद रखना, वैल्यू सिस्टम का आउटवर्ड प्रोजेक्शन इज थ्रू एटीट्यूड, और एटीट्यूड कैसे होता है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है जिसपे हम प्रोजेक्ट कर सके अपने जो भी रिएक्शंस है. ओके, हाँ, पीपल हु जो आईएएस बन जाते हैं पीसीएस से, वो भी आई थिंक दे ऑल्सो गो, लबासना का नहीं पता बट एनपीए जरूर जाते हैं, नेशनल पुलिस अकेडमी जरूर जाते हैं. ओके, बिकॉज अच्छा चलो वो आई कैन नॉट टेल यू वाई, बट एनपीए ये बता सकते हो एनपीए क्यों जाते हैं. एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या फर्क है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, रैशनैलिटीज, एथिकल वैल्यूज एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, वेयर एज इंटेलिजेंस इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड स्किल्स. तो ये बेसिकली रॉ आपका जो आईक्यू होता है. ओके, आप एक आईआईटी से निकले हुए आईएएस हैं जिनका आईक्यू 160 है, ऑलराइट, यू आर अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट टर्न्ड आईएएस ऑफिसर, यू आर अ पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन मैथमेटिक्स और आपकी आईक्यू है 160, तो ये है आईक्यू, ये दैट इज योर इंटेलिजेंस. लेकिन आप कितना एम्पथाइज कर रहे हो, ठीक है, ये गारंटी नहीं ना है कि 160 आईक्यू हो के आईआईटी से होके आप एम्पथाइज भी करोगे पुअर पीपल के साथ. तो वो जब एम्पथी वाला एंगल ये सब आ जाता है, आपका जो नॉलेज आ जाता है, विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस टू अपस्किल, ऑलराइट, बीइंग रैशनल, ऑलराइट, बीइंग रैशनल, 160 आईक्यू और एन आईआईटी टैग डज नॉट गिव यू यू नो रैशनैलिटी, वो रैशनैलिटी अलग सेट ऑफ स्किल्स है. ओके, means and ends both are important in aptitude, whereas means are more important than ends in intelligence. इस साल के, हाँ वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे, 365 भी कर लेंगे, थोड़ा लेट से करेंगे, अभी नहीं करेंगे, सेप्टेम्बर में maybe. It's specific ability of an individual, all right. Aptitude is specific ability of an individual, whereas intelligence is your general mental ability. All right, 2 plus 2 कितना होता है? 4. Okay, 2 plus 3 कितना होता है? 5. So this is your general mental ability. अब क्या कर सकते हो? Whereas specific ability,
All right, specific ability. As an IFS officer, I know the domain. Suppose China ko main janta hu, ya main Chinese janta hu. So wo mera aptitude ho gaya. Lekin 2 plus 3, 5 hota hai, 2 plus 2, 4 hota hai. Ye to sabhi IAS, IPS, IFS sab jante hai. So aptitude is specific in nature, kya hum keh sakte hai? Aptitude is what? Specific in nature. Ye kya hua? Aptitude is specific in nature, whereas intelligence is general in nature. Yes? Kya hum keh sakte hai isko? Ab samajh aaya? It is, aptitude is measured in terms of how well a person can perform certain tasks, whereas intelligence is measured in terms of how much a person performs tasks in a competitive world. So, yahan par do part hai, ek important hai. Yahan par hai, pooch raha hai, how well, aptitude mein pooch raha hai, how well, kitna achhi tarike se aap kar sakte ho. Whereas intelligence mein pooch raha hai, how much you can do. So, that is the fundamental difference. एंड यहाँ पर मैंने एक और चीज बताई थी कि एप्टीट्यूड क्या है. इट इज स्पेसिफिक, नॉट जनरल, इट इज स्पेसिफिक. ओके, आईएफएस हो तो तुमको बेटर पता होगा कि रशिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है. आईएएस को थोड़ा सा मे बी हो सकता है कम पता हो, लेकिन आईएएस का भी अगर एप्टीट्यूड इंटरनेशनल रिलेशन का हो तो वो बता सकता है. लेकिन इंटेलिजेंस में अगर 2+2 मैं पूछूं तो हो सकता है कि 99.99% ऑफ द पीपल regardless of being IAS or IPS या कोई भी सर्विस में या कोई भी employment में हो, they will tell you कि 4 होता है. So this is very general. Intelligence is general, whereas aptitude is specific. And aptitude tells you how well you can do a certain task, whereas intelligence tells you how much you can do a certain task in a competitive world. Okay. So any questions that you guys might have related to this? Aptitude is done. हाँ, first अगस्त से करेंगे, first अगस्त से करेंगे, don't worry about it. पूरा अगस्त इसी के लिए है, answer writing, case study and इस type की चीजों के लिए, revision के लिए. और revision के लिए मैं एक और चीज कर रहा हूँ कि short notes बना दूंगा, because अभी मैं क्या करूंगा कि अगर आप pages को bind करके आपको एक super document भेजूंगा सारे ethics के notes का, तो वो हो जाएगा 200-250 पन्ने का. उससे बेटर है एक और चीज मैं कर सकता हूँ कि एक महीने के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी भेज दूंगा, 200 पन्ने का जो नोट्स है उसको कंडेंस करके मे बी 20-25 या 30 पेज में करके, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो. एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट हैव यू कैन आस्क.